इस्तांबुल की गलियों से शानदार किस्म का सुबह बखैर। तो भैया जब आप किसी नए मुल्क जाते हैं तो आप वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के कल्चर से मुतासिर होते हैं और वहाँ का खाना खाते हैं। तो आज हम लोग तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद हैं और हम यहाँ पे क्या प्रेजेंट करने वाले हैं तुसाल? इस्तांबुल स्ट्रीट फूड टूर। आज हमने बहुत मस्ती करनी है, बहुत सा खाना है और बहुत मजे की चीजें ट्राई करनी है। लेकिन आप सबको एंड तक वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सबने ये बताना है कि आप कौन सा फूड ट्राई करना चाहते हैं। ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप अगर तुर्की आए तो आप कौन सा खाना खाएंगे, या अगर आप आ चुके हैं तो आपको यहाँ का सबसे अच्छा स्ट्रीट फूड कौन सा लगा, रेट करके बताइएगा टॉप 5 अपने। तो हम अपनी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के आखिर में अपने टॉप 5 जो स्ट्रीट फूड है तुर्की के वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो देखते रहो यार व्लॉग। जो के बनता है इंटेस्टिन से, जो के आंते होती हैं उर्दू में। शेरशी लव। आ ये क्या आ रहा है? मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं जन्नत में हूँ। हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं ब्लू मॉस्क और आया सोफिया के बिल्कुल दरमियान में, और यहाँ भाई ने ठेला लगाया हुआ है सिमित का। तो सिमित, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चलूँ, ये इस्तांबुल का सबसे ज़्यादा गो टू मेरे ख्याल से खाने वाला स्नैक है। जैसे पाकिस्तान में बन कबाब खाया जाता है या फिर मतलब भुट्टे वुट्टे खाए जाते हैं, चने खाए जाते हैं, यहाँ पे सिमित हर जगह आपको नज़र आएगा। तो हम भी सबसे पहले ये करेंगे कि सुबह का आगाज़ ऐसे करेंगे कि हम लोग सिमित लेंगे यहाँ से। इंतज़ार कह रही है कि न्यूटेला और उसको क्रीम चीज़ चाहिए, या न्यूटेला क्रीम चीज़ मिक्स कर दे। अगर मिक्स कर दे अभी करवाते हैं मिक्स और फिर चक्के बताते हैं कि है कैसा, क्यों इतने टर्किश जो है इतने इसके दीवाने हैं। तो हम भी खा के देखते हैं। ये देखें, गोरे भी यही ले रहे हैं। ये देखें, जहाँ हम जाते हैं वहाँ बरकत लग जाती है, वहाँ पे गोरे भी आ जाते हैं, देसी भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी मखनातीसी कुवत है भाई के अंदर के लोग खिंचे आते हैं। सिमित की तरफ नहीं आ रहे, भाई की तरफ। भाई ये 10 लीरा का है यहाँ पे, और सिमित में हमने ये करवाया कि एक साइड पे हाफ करवा के इसको, एक साइड पे हमने न्यूटेला लगवाई है और दूसरी साइड पे हमने क्रीम चीज लगवाई है। अब इसकी पहली बाइट ले। इनाया कह रही है मुझे खिला दो। थैंक यू। जबरदस्त है यार, पहली दफा खा रहे हैं ना हम। शी एक्चुअली लव्स दिस ब्रेड, शी हैज बीन स्नैकिंग ऑन इट सिंस वी अराइव्ड। मैं और तानी पहली दफा खा रहे हैं। ओए ये क्या हो रहा है? आए सो अच्छा बेबी, इट्स लाइक अ बेगल है ना? हां, लेकिन ये उतना क्रिस्प नहीं है। बेगल इतना ही क्रिस्प होता है, ये से कम होता है। बेगल क्रिस्प नहीं होता, ये हलवा तो है, ये अच्छा है। इसको काटने के लिए आरी की जरूरत पड़ती है ना? नहीं, ये वाला नरम है और उसके तिल भी हैं। कॉफी हो जाए? हाँ। मागू साली मान We are from Pakistan. Pakistan? Yes, Pakistan. Yes, Pakistan. Special donor kebab. Tumhara naam kya? Taha. Taha Siddiqui. Kaisa hai? Main theek hu. तो 11 बज गए हैं और काइंड ऑफ अर्ली लंच का वक्त हो गया, और यहाँ पे आइडियल चीज़ डोनर होती है। तो ये दुरम एक डोनर है और इसमें चिकन है, यू कैन गेट लाइक लैम, बीफ, चिकन, व्हाटएवर। और इसको बहुत अलग तरीके से बना रहा था, सो आई एम जस्ट गोना टेक अ बिग बाइट। इसमें इससे कोई लाल सॉस भी डाली है, बहुत मज़े किया। इसमें चिप्स भी थे, सैलेड भी थी, चिकन भी, एंड इट इज सो डिलीशियस। तानी यू हैव टू ट्राई इट। मैं यहाँ पे फर्स्ट बाइट लेने वाला हूँ ये दुरम डोनर कबाब की। दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। गुड राइट। जो ये बंदा बना रहा था डोनर कबाब, मैंने उससे पूछा कौन सा ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उसने कहा कि चिकन खाओ, चिकन सबसे ज़्यादा चलता है और बिकता है। इसके अंदर दाल जो सॉस है, जो इंतजार जिसका जिक्र कर रही थी, वो मेरे ख्याल से टोमेटो सॉस है, सालसा की तरह का। या इट्स लाइक अ सालसा टाइप ऑफ थिंग। चिप्स है इसमें, लेटस है, अनियंस है और मेयो भी है मेरे ख्याल से। और ये जो ब्रेड है, ये वो टिपिकल ब्रेड नहीं है जो यहाँ पे टर्की में यूज़ होती है, वो बोटी वाली होती है। ये जो है ये पीटा ब्रेड है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है और बिल्कुल थिनसी है। Really yummy. और इसको इन्होंने मेरे ख्याल से 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा ग्रिल किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रिल्ड हुआ है।
पे सिमित बहुत मजे का स्ट्रीट फूड है यहाँ पे. व्हाट इज इट कॉल्ड अगेन? मिसर एंड किस वो मिसर 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 कबाब मिसर कबाब कबाब मिसर कबाब मिसर है. ओके एंड व्हाट अबाउट दिस वन? केस्ताने केस्ताने चेस्टनट है और ये मिसर कॉर्न है बूटा और सिका हुआ विद नमक. इट्स सो गुड. लेकिन ये चेस्टनट्स मैंने कहीं जिंदगी में नहीं देखे. आई एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोना हैव इट हियर एंड आई थिंक यू पील इट ऑफ. अच्छा ये गरम गरम है. ओह एक्चुअली क्वाइट यूनिक चीज़ है और मैं ट्राई कर रही हूँ. तो भाई मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की यहाँ पे फुहार पड़ रही है, बूंदाबांदी हो रही है, उसके साथ हम ये भुट्टा खाएंगे. सब गरम है ना. यार क्या भुट्टा है, हर दाना मीठा, बिल्कुल खस्ता सिका हुआ, पर हल्का सा इन्होंने चिकन सॉल्ट डाला हुआ है और बिल्कुल मीठा भुट्टा. एक खा के देखो थोड़ा सा, एक बाइट लो. बाकी मैं लेता हूँ, मैं बताता हूँ. मेरी तरफ से ले लो. नंबर वन भुट्टा इन द वर्ल्ड, बेहतरीन भुट्टा. आके बकलावा ट्राई करूँ, पिस्ताशियो बकलावा जो कि इनका मेन बकलावा होता है. एंड आई वाज लाइक वेटिंग कि यहीं से मैं खाऊंगी. सो आई एक्चुअली हैव नॉट हैड बकलावा सिंस आई केम टू टर्की. सो दिस इज क्रीम, ये इनकी कोई सॉस है और ये इनका बकलावा है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ब्रेक अ पीस ऑफ बकलावा. अरे तमीज से मैं देखें आप खा रही हूँ अभी. इनाया इनाया ने पूरा पीस उठा लिया बेटा, ये आपके मुँह में फिट नहीं आ रहा. अच्छा आई एम गोना ग्रैब सम क्रीम. अच्छा ये स्पेशल आला सॉस है. हां ओके आला सॉस, आला सॉस इसका नाम भी आला सॉस है कसम से. रेडी फर्स्ट बकलावा इन टर्की. इस्तांबुल. तो इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं. ये वो वक्त आ चुका है जिसके लिए हम लोग टर्की आए थे, हाफिज़ मुस्तफ़ा का बकलावा और कुनाफे ट्राई करने के लिए. ट्राई किया खाने के लिए क्योंकि हमने ज़िंदगी में इसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें सुनी है, कभी खाया नहीं है, मौका नहीं मिला. तो इसके ऊपर भाई ये स्पेशल, बस इससे ज़्यादा ना डालना, स्पेशल आला सॉस है और इसका नाम आला है तो ये आला ही होगा. और ये मिल्क और क्रीम और चीज़ से मिल के बना है. उसके साथ ये कायमक है जो हम लोग आपको पहले बता चुके हैं, हम लोग इसके दीवाने हैं, फ़ैन हो गए. ये बलाई की तरह की कोई चीज़ है. और ये है पिस्ताशियो बकलावा. तो मैं जा रहा हूँ एक बड़ी बाइट लेने के लिए. मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं जन्नत में हूँ. ये भूरे मेरे चारों तरफ हैं. अच्छा मुझे बकलावे खिला रही हैं. ये पीनी है, दे रही है. चलो ये पी लो, दुनिया में आने के लिए पी लो. मेरी बीवी ने मुझे बेदार कर दिया. अच्छा ये यहाँ पे स्ट्रीट फूड हमारा कंटिन्यू हो रहा है और तानी खा रहा है यहाँ की फेमस टर्किश आइसक्रीम जिसका नाम है डंडरमा. हर किस तरह सलाम. ओह थैंक यू. डंडरमा है ना, कैसी है तानी? टेक्सचर चार या पांच फ्लेवर्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, वनीला है और इनका कोई अपना फ्लेवर है. तो जिस तरह पाकिस्तान में अंडे वाला बर्गर मशहूर है उसी तरह टर्की में इस्लाक हैमबर्गर जो है वो बहुत मशहूर है. आपको हर जगह जो है कोने पे एक स्टॉल नजर आएगा जहाँ पे इस्लाक हैमबर्गर बिक रहा होगा. लेकिन हम लोग सुल्तान आमिर से रुके, सुल्तान आमिर से इस्लाक हैमबर्गर ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है. लेकिन हमें किस्मत हमारी अच्छी है, हमें एक इस्लाक हैमबर्गर की दुकान यहाँ पे नजर आ गई है. ये तकसीम स्क्वायर या जो दूसरे बिजी स्ट्रीट्स है वहाँ पे बहुत आम है, यहाँ पे इतना आम नहीं है. तो हम लोग पहुँच चुके हैं एक छोटे से स्टॉल के सामने, लेते हैं दो इस्लाक हैमबर्गर.
हमें यहाँ पे एक लोकल ने बताया था कि जब भी आप इस्लाक हैमबर्गर का ठेला देखें तो वहाँ से एक मत लीजिएगा, वहाँ से दो लीजिएगा। तो हमने उनकी बात सुनी है कि उनकी इज्जत रख ली है, हमने दो ले लिए, दोनों मैं खाऊंगा तो नहीं एक मैं खाऊंगी। मस्त आ गया। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसको ये रखते हैं स्टीमर के अंदर, तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि भाप के अंदर जो है वो पकता रहता है, और उसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, वेट बर्गर। अच्छा, गीला बर्गर, ये नमी वाला बर्गर है, बिल्कुल नरम है। तो पहली बाइट में लेने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिट मौसम, गर्मा गर्म इस्लाक हैमबर्गर देख रहे हैं आप लोग, धुआं निकल रहा है, बहुत मजे का है। तो अब जाते हैं कुछ और खाते हैं। तो हम इधर एक बहुत फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाले हैं कॉल मिदिये डोलमा, काफी सस्ता है, एक टर्किश लीरे का है। जस्ट ट्राई। So this is cooked? Rice, lemon. तो मैं खाने वाली हूँ। Very good. बहुत मजे का। ये पका हुआ है, पका हुआ मसल है, चावलों के साथ कुछ उन्होंने किया हुआ है, लीमू डाल के देते हैं। एक्चुअली बहुत मजे का, मज़ा आ गया। I did not even imagine that we spice to our pocket because we had such a busy itinerary and this place is so gorgeous. Yahan aaye, yahan khaye, piye, tea piye, spices le, aur har dukaan mein aapko free ki chai aur mithai milegi. That's delicious. तो ये रात के खाने से पहले लास्ट स्टॉप है हमारा स्ट्रीट फूड का। हम लोग खा रहे हैं कोकोरेच, जो कि बनता है इंटेस्टिन से, जो कि आंते होती हैं उर्दू में, और इसमें पता नहीं क्या क्या मिलाया हुआ है। जैसे हम लोग कटाकट बनाते हैं कलेजी और कपूरे और ये मगज़ वगज़ डाल के, उन्होंने बिल्कुल वही चीज़ बनाई है, और ये टर्किश जो है बहुत पसंद करते हैं। तो धुआं निकल रहा है, भापे निकल रही है गरम गरम। मैं पहली बाइट लेने वाला हूँ, पहली बाइट लेके आपको बताता हूँ कैसा है। तानी के लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी बनवाया गया ये। कैसा है यार? बड़ा मज़े का है, काफ़ी कटाकट जैसा इसका जायका है, और बिल्कुल इन्होंने मैशअप किया हुआ है आंतों को, तो लग नहीं रहा कि वो आते हैं, लग रहा है गोश्त है, और स्पाइसी है, बहुत मज़े का है। अच्छा, काफ़ी इसका एक्वायर्ड टेस्ट है, मुझे नहीं लगता कि हर किसी को समझ आएगा, लेकिन बंदे जो गोश्त खाना पसंद करते हैं उनके लिए मीट हेवन है वाकई में, क्योंकि ये काफ़ी मीठी है। तो ये देख रहे हैं अंदर आप, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें डाली हुई हैं, और आंतों को, इंटेस्टाइन्स जो होती हैं उनको तोड़ के मैशअप करके कटाकट बना के उसका अंदर डाला हुआ है बनके। वाह, एक और बाइट लेना बनके। टर्किश स्ट्रीट फूड में हमने आई थिंक सारी ड्रिंक्स ट्राई कर ली हैं, टर्किश कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी, यहाँ की लस्सी, जूस, हर चीज़ ट्राई कर ली है, लेकिन ये जो है चाय, और फिर उन्होंने कहे, यानी कहे कहते हैं, चाय कहते हैं, इज ऑनेस्टली वन ऑफ आवर फेवरेट्स। तो एक तो प्लेन होती है, काइंड ऑफ लाइक ब्लैक टी होती है, और ये वॉर्म एप्पल टी होती है। उफ, जब आप टर्की आएँ आपको ये ज़रूर पीनी है। ओह माय गॉड, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कितने मज़े की टी है। वी आर गोना टेक लाइक अ किलो ऑफ दिस बैक टू पाकिस्तान। आई है स्ट्रीट फूड का डे हो या नॉर्मल डे हो, यहाँ पे लेंटिल सूप बहुत ज़रूरी है, और इसको किया ऐसे जाता है कि आप खाने से पहले लेंटिल सूप पिए। अब इस पर नॉर्मली ये टर्किश पीपल लेमन जूस डालते हैं, और इनकी मिर्चें जो है एक्चुअली स्पाइसी होती हैं, जैसे कुट्टी लाल मिर्च होती है वो भी इस पर डालती है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अब हम देसी हैं, हमें थोड़ी ज़्यादा कुट्टी हुई लाल मिर्च पसंद है, और साथ में फ्रेश ब्रेड। इस ब्रेड की मैं दीवानी हूँ, तो इसको यूजुअली थोड़ी थोड़ी ब्रेड तोड़ के डिप कर करके ठीक है, और बहुत मज़ा आता है। इनाया बहुत बड़ी फैन है। आई
तो लेंटिल सूप के अलावा मेज़े भी बहुत ज़रूरी हैं एंड आई एम एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड. अच्छा, ये इनका एक एटम मेज़े होता है, इसमें एग प्लांट और दही होता है और ऊपर इन्होंने लाल मिर्ची डाली होती है और ये बहुत स्पाइसी होता है. और ये मेरा फेवरेट है, ये एग प्लांट और टमाटर का सालसा टाइप है. सो मैं इसको रूखा खाती हूँ, लेकिन यूजली लोग इसको ब्रेड के साथ खाते हैं. बहुत मजे का. तो डिनर में सानी ने मंगवाया है इस किंदर कबाब. तो ये काइंड ऑफ पतला पतला लैम होता है कटा हुआ, और इसके नीचे शोरबे में ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े इन्होंने डाले होते हैं, साथ राइस है. अच्छा, इनके राइस प्लेन नहीं होते, यहाँ पे यूजली सलसा राइस होते हैं. दूसरी मेन चीज़ है जो कि रोज़ मेरा दिल करता है मैं खाऊँ, वो चिकन शीश है और चिकन ताऊ. तो ये ऐसी बोटियाँ आती हैं और ये मसाले वाले जो अनियन होते हैं उफ़ दे बॉम. तो अब मैं ये चखने वाली हूँ. अच्छा, तो इस्कंदर कबाब और शीश ताऊ जो है वो हम लोग खा चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है लैम्ब शैंक. और ये लैम्ब शैंक हमसे क्या कह रहा है ये मैं पहला निवाला देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ. देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बिल्कुल, मैं इसको नाइफ को हल्का सा ऐसे फेंटता हूँ और ये जो है ये देखिए बिल्कुल अपने हाथ इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हाथ से ज़्यादा मज़ा आएगा. यू हैव टू शो कि इसका गूदा कैसे निकालते हैं. तो मैं बात को बताऊँगा, पहले मैं आप लोगों को ये खा के बताता हूँ कि ये है कैसा. मसाला है कोई इसमें? नहीं, मसाले में मुझे लग रहा है खाली नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, लेकिन सारा मज़ा जो है वो गोश्त का है, क्योंकि गोश्त जो है वो बिल्कुल गला हुआ है. मतलब मैं ऐसे उंगली लगा रहा हूँ और ये जो है, और यही लैम्ब शैंक की क्वालिटी होती है और मेन चीज़ होती है कि जब आप उसको हाथ से ऐसे तोड़ें तो वो बिल्कुल ऐसे अलग हो जाती है, और जब मैं मुँह में रखता हूँ तो ये खुल के गायब हो रही है, जैसे मैजिक होता है ना. ये लो हो गया मैजिक, फिर से मैजिक हो गया. इस पे हल्का सा नमक और काली मिर्च हम छिड़केंगे, और यहाँ पे सुमक है, हम हल्का सा सुमक लेंगे. मेरे लिए हल्का है, मेरे लिए काफ़ी है. और इसके साथ ट्राई करेंगे. अच्छा, इसके साथ लवाजमात भी आए, टमाटर है, हरी मिर्च है, ये ब्रेड का पीस है जो कि मैं कहूँगा जूसी है यार, जूसी है. और इसके साथ थोड़ी सी प्याज है, और इसके ऊपर एक काम करना चाहिए, थोड़ा सा नींबू लेके. सॉरी यार, मेरे हाथ खराब हो गए, लेकिन तो इसी के साथ अब बारी आती है अपने मोस्ट फेवरेट टर्किश स्ट्रीट फूड को रेट करने की. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक कराची वाले का और एक बन कबाब का रिश्ता कितना गहरा और कितना पुराना है, तो भाई सिर्फ इसी वजह से टर्की का स्लाग हैमबर्गर, जिसको वेट हैमबर्गर कहते हैं, ने बाजी ले ली तमाम स्ट्रीट फूड आइटम्स पर. और इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि टर्की के बाकी स्ट्रीट फूड आइटम्स जो हैं वो मजे के नहीं थे, हर चीज एक से बढ़कर एक थी. और अगर आप लोग टर्की कभी भी जाएं तो ये तमाम आइटम्स जरूर ट्राई कीजिए, खास तौर पे उनका स्लाग हैमबर्गर ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, भाई की रिकमेंडेशन है यार. सब्सक्राइब और शेयर करें.